Good morning, this is the next day and it is 7:38 right now. I need to go for band today, it is Saturday and जितना मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सो जाऊँगी उतनी मेरी चीज़ें बढ़ रही हैं, बट खैर आई नीड टू गो. सो फर्स्ट ऑफ अभी 7:38 बता देते हैं, मैंने 7:38 हो रहा है, मैं अभी ऊपर जाऊँगी एंड देन मैं वहाँ गेट रेडी क्विकली एंड इतनी ज़्यादा लाइक खुश थी कि बैंड सैटरडे को हो रहा है तो उधर मतलब अपना फ़ोन वगैरह लेके जा सकते हैं, तो मुझे लगा था कि मैं ब्लॉग कर सकूँगी. बट हमारा स्कूल है गाइस, तो उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे अगर आप लेकर आए तो. खैर ये मैं बताना भूल गई थी कि मैं फ्रेश हो गई हूँ, एक्सट्रीम फ्रेश हुई, बहुत फ्रेश. अब मुझे बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है, इससे ज़्यादा जल्दी चलता है. दिनों के बाद अम्यूजिंग स्पॉटिफाई, मम्मा कभी भी सुबह गाने नहीं लगाने देती, मम्मी जब कोई दुआ लगाती थी ना कि मैं गाने ही लगा सकूँ. सो अभी तो आई कैन यूज देखिए अब मैं कॉपीराइट में कोई भी गाने नहीं लगा सकी, बट मैं बड़ा चाहती थी यू गाइस आल्सो लिसन टू अवर सॉन्ग्स. आई लिसन टू बिकॉज़ आई हैव अ वेरी गुड म्यूजिक टेस्ट. सो मैंने गाने तो बंद कर दिए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है एंड अब आई एम ऑल सेट एज यू गाइस कैन सी. ये ग्लॉस भी नए हैं वैसलीना एंड या माई हेयर आर वेरी गुड टुडे. सो या यू गाइस आर कमिंग विद मी. I just got back from school. Yeah, it was a good day. It was a pretty good day. Like after really long, I gayi and bada maza aaya. Yeah, I'm really happy about it and I hope to go into further sessions as well. So hoping for the best. Now I'm gonna go study. सबसे पहले मैंने eat something. मैंने सुबह से कुछ भी खाया और मैं मतलब कुछ लेके भी नहीं गई थी, बस कोई तुक नहीं बन रही थी कि मतलब बैंड होगा एक घंटा आई गेस 9 बजे गए थे एंड 5 बजे वी वर फ्री. सो यू नो मतलब कोई तुक नहीं थी कि मैं कुछ खाने को भी ले जाती. फिर आई फील मच बेटर सुबह के कंपेरेटिवली क्योंकि मुझे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था. बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही प्यारा सा. मैं इधर बाहर आ चुकी हूँ, सही है. बराबर में ना इधर बहुत सारे लोग हैं तो उसमें हम लोग दरवाज़ा ऐसे करके रखेंगे, सही है. सो आई एम हियर. अभी नया उधर गई है सो इस वजह से मैं इधर खड़ी हुई भी हूँ, कोई जानवर ना आ जाए और मेरा फ़ोन ना कोई ले जाए. सो या आई लुक रियली प्रीटी बाय द वे. माय गॉड दिस जस्ट सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग लुक्स राइट नाउ. आई मिस रियली व्लॉगिंग सो मच क्योंकि मतलब सारी बातें मैं इधर बात कर दी हूँ, मतलब टाइम ही नहीं होता, मैं कर ही नहीं पाती. सो यू नो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता. लाइट हमारे घर में ब्लिंक काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने शुरू हो गई है एंड आई रियली रियली वांटेड टू रिकॉर्ड बारिश इन सो लॉन्ग, लेकिन जब भी बारिश हो रही थी ना तो रात में हो रही थी और अभी गली में लिटरली एक बंदा नहीं है. अगर है अभी ना कोई तो उधर है तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है. सो आई लुक रियली बैड बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. ठीक है, मैंने फिर पिक्चर्स वगैरह भी लिए, मैं वो हो सकता है कि आगे डाल दूँगी, फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूँगी. आई कीप पोस्टिंग सम एस्थेटिक पिक्चर्स ऑन माई इंस्टाग्राम. आई लुक वेरी बैड सो दैट्स अनदर टॉपिक. स्विच बंद कर क्योंकि मेन स्विच ऑन करने आ रही थी. हमारा घर फटेगा एक दिन. टाइमिंग ऑफ माई लाइफ इज के बच्चे खेलने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बच्चे खेलने बाहर आए. ठीक है, मैं अगर किसी दिन बाहर आ जाऊँ तो सबको जो है वो अपने बच्चों को, अपने अम्मी अबू, अपने चाचा चाची सबको लेकर बाहर आ जाना. मुझे लड़ रही है कि मुझे सर आना चाहिए जबकि मुझे नहीं आना चाहिए, ये आप लोगों को भी पता है क्योंकि मेरे से बच्चे बेयर नहीं होते. इनाया मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ. नहीं नहीं तुम नहीं हो यहीं पर. मम्मा को भी बोल दो अभी नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ. मुझे बाबा ने फ्लायर बनाने के लिए बुलाया. अरे झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ. बाबा ने सच में मुझे फ्लायर बनाने के लिए नहीं, मैं तो मुझे बाबा ने फ्लायर बनाने के लिए बुलाया तो मैं कैसे रुकूँ.
देखो जी बाबा।